हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे धार्मिक स्थल पर लेके जा रही हूँ जो जम्मू में बहुत ही यानी कि माना हुआ मंदिर है। इनकी वो देखने में भी अद्भुत है और उसकी जो स्टोरी है वो भी बहुत ही अद्भुत है। जब आप सुनोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं उसकी स्टोरी के बारे में भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम जो है अब मंदिर के अंदर के दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको मैं उसकी स्टोरी के बारे में बताऊंगी और इसके इतिहास के बारे में बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप बड़ी ध्यान से सुनना उसको। तो हम जो है यहाँ पे पहुँच गए। ये मंदिर जो है रजिंदर बाजार के पास बिल्कुल पास में है, तो जम्मू के रजिंदर बाजार के बिल्कुल पास में है ये मंदिर। ये देखिए, मैं और मेरा बेटा यहाँ पर आए हुए थे, तो ये जो पेड़ लगा हुआ ना, ये बेर का पेड़ है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा मंदिर है ये। और मैं शाम के टाइम पर आई थी, कोई 7 बजे के करीब, तो उस टाइम जो आरती का टाइम हुआ रहा था, तो आरती भी हो रही थी वहाँ पे मंदिर में, तो मैं इस टाइम पर ही पहुँची। इत्तेफाक से उसी टाइम हो रही थी आरती भी। तो चलिए फिर, जिस बारे में मैं आपसे कह रही थी, तो उसको भी हम शुरू करते हैं थोड़ी देर में। तब तक पहले आप दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है भगवान शिव जी की यानी कि शिवलिंग की पूजा हो रही थी। मैं भी उसी टाइम पहुँची थी और यहाँ पे पूजा वगैरह होके मैं भी थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गई। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखिए, ये चांदी के सिक्के हैं। यहाँ पे हर फर्श यानी कि इतने फर्श पे जो है चांदी के सिक्के लगाए गए हैं। तो तभी इसको क्यों रुपये वाला मंदिर कहते हैं, उसकी भी गाथा है। बहुत ही रोचक कहानी है इसके पीछे भी, यानी कि आप बहुत ही रोचक इतिहास कह सकते हो, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। सभी पंडित जो हैं शिवलिंग की पूजा कर रही हैं, और बहुत यानी कि सभी विधि विधान के साथ इसकी पूजा शाम के टाइम होती है, हर रोज़ इसी तरह से होती है। तो जम्मू शहर में जगह जगह पर देवी देवताओं के मंदिर होने के कारण इस शहर को मंदिर का शहर भी कहा जाता है। और यह मंदिर जम्मू का पंचबख्तर मंदिर, जो सबसे पुराना मंदिर है, सभी यानी कि जो भी जम्मू में मंदिर है सबसे पुराना मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर शहर का सबसे पुराना मंदिर है। इस मंदिर से आज से लगभग 600 साल पहले राजा मालदेव ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करवाई थी। तो इस मंदिर को जो है पंचबख्तर नाम से भी जाना जाता है, यानी पांच मुख वाला। लेकिन इसका पंचबख्तर नाम क्यों रखा गया, ये किसी को नहीं मालूम है आज तक। लेकिन जो भी शिवलिंग यहाँ पर स्थापित की गई है, उसमें ऐसा पांच मुख वाला कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो पुराणों के मुताबिक, जब शिव भगवान ने पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि पंच तत्वों को निगल लिया था, उनका नाम जो है पंचबख्तर पड़ा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो मंदिर है राजा मालदेव ने बनवाया था, तो सन 1365 के आसपास के यह मंदिर बनाया था। तो ये जगह इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ
पे भगवान शंभू जी खुद प्रकट हुए थे, ऐसा माना जाता है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे जो है एक बहुत ही रोचक कहानी है, तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी उस कहानी को, ताकि आप तक भी वो शेयर हो। यहाँ पर जो है एक पहले जो है जंगल हुआ करता था। राजा मालदेव ने यहाँ पर जो है अश्वबल बनाने चाहते थे, अश्वबल मतलब कि यहाँ पर घोड़े के रहने का जगह बनाना चाहते थे। राजा के आदेश के अनुसार यहाँ पर अश्वबल का काम शुरू हो गया। लेकिन एक दिन जब एक मजदूर को खुदाई कर रहा था, तो उसकी जो कुदाल जो है एक पत्थर पे जाके टकरा गई, और उस मतलब खुदाई करते वक्त जो है वहाँ से खून निकलने लग पड़ा, जिसके बाद जो उसकी सूचना जो है वो राजा तक पहुँचाएगी। और वहाँ के जो भी मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने काम करना डर के मारे जो है काम करना बंद कर दिया और खुदाई रोक दी। तो तब वहाँ पर जो है उस घटना को सुनकर जो है राजा मालदेव वहाँ पे आ गए, और वो उन्होंने पता किया कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने खुद खुदाई की, तो वहाँ से जब उन्होंने खुदाई की तो वहाँ से जो है शिवलिंग जो है प्रकट हो गया। जमीन से निकले शिवलिंग को यहाँ पर राजा ने स्थापित करवाया और एक मंदिर भी बनवाया। तो इसके बाद महाराजा प्रताप सिंह ने यहाँ आकर एक नया मंदिर बनवाया और शिवलिंग की बेदी पर चांदी की परत चढ़ाई। मंदिर के फर्श को चांदी के सिक्कों से ढक दिया, जिस कारण से इस मंदिर को रुपये वाला मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की सवारी बैल को भी पंचपक्तर कहा जाता है। हो सकता है कि उसी के नाम से भी इस मंदिर का नाम पंचपक्तर मंदिर पड़ा होगा। तो शहरों के बीचों बीच होने के कारण त्यौहार पर इस मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है। वहीं यह मंदिर रक्षाबंधन और शिवरात्रि पर काफ़ी सजा होता है। तो बस हमने मंदिर में दर्शन कर लिए भगवान शिव के, और साथ में प्रसाद ले लिया। तो मैं और मेरा बेटा चल पड़े। तो रात भी काफ़ी हो गई थी, यानी कि लगभग 8 बज रहे थे यहाँ पर। तो 8 बजे भी यहाँ पर अभी जम्मू में सारा बाज़ार खुला होता है, लगभग ये जो है 9-10 बजे तक तो ये खुला ही रहता है, और ऐसी ही रौनक रहती है। त्योहारों के टाइम पर तो काफ़ी रौनक होती है, तब तो 12-12 बजे तक जो है बाज़ार खुला ही रहता है। तो अभी ये देखिए 8 बज रहे हैं, तो बाज़ार अभी भी खुला हुआ है। तो हम थोड़ा सा सामान लेना था, इसलिए मैं और मेरा बेटा जो बाज़ार की तरफ चल पड़े। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस मंदिर की आपको इतिहास जानकर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो मेरी आपकी यहीं तक ही, जल्द ही मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।